वैष्णो देवी माँ दुर्गा की शक्ति हैं, उनका रूप है जिनमें समाहित है प्रगाढ़ भक्ति और श्रद्धा। वैष्णो देवी की पूजा अर्चना उनके तीन रूपों में होती है। ये तीन रूप हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। एक भक्तिपूर्ण त्रिवेणी का स्रोत है माँ वैष्णो देवी। वैष्णवी का मूल अर्थ है भगवान विष्णु का सान्निध्य। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इस देवी को शक्ति मिली है ब्रह्मा, विष्णु और शिव से। वैष्णो देवी का जन्म रत्नाकर के घर वैष्णवी के रूप में हुआ। उनके जन्म और अवतरण का मुख्य ध्येय था असुरों और नकारात्मक शक्तियों का दमन और पतन और विश्व में शांति स्थापित करने का जतन। अपने वैष्णव देवी के रूप में दुर्गा महादानी, महाकृपामयी और रौद्र हैं। ये शक्तिशाली देवी सिंह पर सवार हैं और पीत और लाल वस्त्रों में गरिमापूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर प्रांत में जम्मू के निकट त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला के अंचल में माँ वैष्णो देवी का मंदिर शोभायमान है। जब तक भक्ति रहेगी, मानवता रहेगी, माता के दरबार की मान्यता रहेगी। सादिके शरण्य त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से 900 वर्ष पहले यहाँ पर पंडित शिवधर जी उनकी पत्नी के साथ इसी छोटे से मंदिर रहते थे। नहीं तो उन्होंने माता वैष्णो देवी की भक्ति किए थे, जिनसे प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी ने उनके यहाँ कन्या रूप में दर्शन लिए थे। इसी रूप में उनका कन्या पूजन किया। कन्या रूप में माता वैष्णो ने कहा था कि पंडित शिवधर जी आप यहाँ पर सारे गाँव को भोजन करा के भंडारा कराइए, इससे आपसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके घर में संतान भी होगी। उनको संतान नहीं होती थी इसलिए कन्या पूजन करते। माता ने कहा था अगर आप भंडारा करके सारे गांव को भोजन कराओगे तो आपके यहाँ संतान भी प्राप्त होगी और आपको मेरे अनंत भक्ति प्राप्त होगी। उनके छोटी सी कन्या के कहने पे उन्होंने जो है सारे गांव में पंडित शिवधर जी निमंत्रण दिया था कि हमारे घर में कल भंडारा, आप सभी लोग यहाँ पर भोजन के लिए आएंगे। साथ में भैरवनाथ को भी निमंत्रण दिया। दूसरे दिन यहाँ पर सारा गांव जमा होने लगा था। भैरवनाथ भी अपने 365 चेलों के साथ यहाँ आ गया था। तब श्रीधर जी ने देखा कि सारा गांव यहाँ जमा हो गया, मेरे पास को खाने के लिए तो कोई राशन पानी है नहीं और इन सब लोगों को बैठने के लिए जगह भी नहीं है। इस मंदिर के अंदर में जो प्रतिमा है वो 900 वर्ष उन्हीं के पूजन की प्रतिमा है, वो इसी मूर्ति की पूजा करते जो अष्टधातु की है। उस मूर्ति के आगे वो अपनी तपस्या करने के लिए लीन हो गए और रोने लगे माता के आगे कि हे माता, उस जगह कन्या को भेजो जिसने हमें भंडारे के लिए कहा था, अब यहाँ सारा गांव जमा हो चुका, हम कैसा करेंगे। वो इधर भक्ति कर रहे थे तब माता वैष्णो देवी स्वयं कन्या रूप में यहाँ प्रकट हुई थी, जिन्होंने अपने शक्ति से इस कमरे के अंदर अपने आप भोजन बनाया था। यहाँ पर अपने आप उनके शक्ति से चूल्हा जल गया था, अपने आप यहाँ बर्तन आए थे, अपने आप जो आटा लगा था, हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, सारा भोजन बना। जब भोजन तैयार हो गया तब कन्या रूप माता बोली, हे पंडित सिंह जी आप क्यों रो रहे हो, देखो आपके घर में भोजन सारा बन के तैयार है। जब उन्होंने आँख खोल के देखा तो ये वही कन्या थी जो कल उन्हें बोलकर गई थी कि आप भंडारा करके यहाँ भोजन कराना। इनके घर में भोजन का सारा इंतजाम माता ने कर दिया था अपने शक्ति से। तब श्रीधर जी ने कहा कि ये कन्या माता, इस भक्तों को हम कहाँ पर भोजन कराएंगे, हमारे पास तो जगह भी नहीं है बैठने के लिए। तब कन्या रूप माता बोली, इसी रूम में आप खिलाओ। तो जैसे इस रूम के अंदर लोग आकर बैठते थे
ऐसे अंदर से श्री कुमाता अपने शक्ति से बड़ा करती जाती चली जाती थी। एक एक करके इस गांव के पूरा गांव उसके अंदर बैठते चला गया। इस बात को घरौनाथ देख रहा था अपने चेलों के साथ। जब उन्होंने बैठना शुरू किया तो वो भी अपने 365 चेलों के साथ इसी रूम में समा गए। जब ये चमत्कार उन्होंने देखा भैरवनाथ ने, तो कहा कि ये कोई चमत्कारी माया की कन्या लगती है, इसे हम अपने अंदर करेंगे ताकि हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे, वैष्णव धर्म का हानि होगी। हम अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था, हम इसकी परीक्षा लेंगे। जब सारे गांव को माता हलवा खीर पूरी भोजन परोसने पर जब उसके पास पहुंची, जब उसको भोजन परोसने लगी तो भैरवनाथ ने कहा था, हे कन्या, हम जो अघोरी साधु है सब लोग हम मांस मदिरा खाएंगे, हमें अपने मनपसंद का भोजन चाहिए मांस मदिरा। तब कन्या रूप माता बोली कि भैरवनाथ, ये ब्राह्मण के घर का वैष्णव भंडारा आप इसे ही ग्रहण करो, क्योंकि यहाँ पर मांस मदिरा वर्जित है। इस बात से भैरवनाथ ने इस कन्या को पकड़ना चाहा। जैसे उनके तरफ हाथ बढ़ाया, माता उस रूम से यहाँ से अंतर ध्यान होकर इस रूम से बाहर निकल कर उन्होंने अपना अष्टभुजा रूप धारण करके माता यहीं से त्रिकुटमणि पर्वत की ओर बढ़ने लगी थी। यहीं से माता बाणगंगा की तरफ गई है, बाणगंगा गई है, आगे चरण पादुका गई है, तो इसी स्थान से भैरवनाथ उनके पीछे लगा। आगे आदि कुआरी में माता जाकर 9 महीने विश्राम किए और 9 महीने तक भैरवनाथ इन जंगल में कन्या को ढूंढता रहा। जब माता का 9 महीने का वहाँ टाइम पूर्ण हो चुका था, तब माता ने उस गुफा को गर्भजुन बनाया। उन्हें सोचा कि भैरवनाथ गुफा के अंदर जुनू आएगा, तो माता गर्भजुन बनाकर गुफा से निकलकर माता ऊपर दरबार में पहुंचकर तीनों पिंडियों में समाहित हो गई। भैरवनाथ पीछा करता जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ गुफा के द्वार में हनुमान जी पहरा दे रहे थे। जब उसने उसको अंदर नहीं जाने दिया तो पुरानी गुफा के द्वार में हनुमान जी भैरवनाथ की लड़ाई हुई और इतनी अधिक लड़ाई होने लगी कि हनुमान जी ने कहा कि माने जाने से हम वध कर देंगे। तब माता वैष्णो देवी ने कहा कि ऐसा करने से अनर्थ हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी क्रोधित होने पर और श्री राम जी के बिना वो किसी और देवता को नहीं मानने का कोई शांत नहीं होता और कलयुग में इस समय उनका आना संभव नहीं है। इसलिए माता पिंडी रूप से फिर उन्होंने अष्टभुजा रूप धारण करके जहाँ इन दोनों की लड़ाई चल रही थी गुफा के द्वार में, वहाँ माता प्रकट हुई और उन्हें हनुमान जी से कहा, महावीर आप शांत हो जाए, दुष्ट का वध हम अपने हाथों से करेंगे। तब शेरों वाली माँ ने उसको अपना त्रिशूल मार के फेंका भैरवनाथ को। उस त्रिशूल से उसका सर कट के यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाकर गिरा, जिसे भैरव घाटी कहा जाता है, और धड़ माता के उसी गुफा के द्वार में पड़ा है जिसके ऊपर पैर रखते लोग अंदर जा सकते हैं। काली लक्ष्मी सरस्वती माँ करेंगी शोषण पार्वती माँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे हनुमत भैरों प्रहरी प्यारे, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलावे कलयुग वासी पूजन आवे, पान सुपारी ध्वजा नारियल चरणामृत चरणों का निर्मल, दिया फलित वर माँ मुस्काई करने तपस्या पर्वत आई, कली काल की भड़की ज्वाला एक दिन अपना रूप निकाला, एक दिन अपना रूप निकाला। कन्याओं के साथ मिली माँ
कौल कंदौली तभी चली माँ, देवा माई दर्शन दीना, पवन रूप हो गई प्रवीणा, नवरात्रों में लीला रचाई, भक्त श्रीधर के घर आई, योगिन को भंडारा दीना, सबने रुचि कर भोजन कीना, सबने रुचि कर भोजन कीना। चरण रखे आ एक शिला जब, चरण पादुका नाम पड़ा जब, पीछे भैरों था बलकारी, छोटी गुफा में जाए पधारी, नौ महा